रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2002 में रिलीज हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट मलन ने राइटर की बात की है तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट मलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंग्स मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुआक्वीन फोनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रैसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामलन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनी से साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनेडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त 2002 रहा था, था और रनिंग टाइम है इस मूवी का 106 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंस मूवी को 72 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का करैक्टर निभाया है चैरी जॉनस ने कैरोइन पासकी का कैरेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में, में मेले गिब्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आईएमडीबी पर तो आईएमडीबी पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई एम डी पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट मलन ने राइटर की बात की है तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट मलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉकुन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कल्किन देखने को मिल जाते हैं अफीगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनी से साइंस मूवी के टच पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छः मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंस मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन फोर हंड्रेड एट पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का कैरेक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का कैरेक्टर निभाया है अवी गेल ने बो हैस का कैरेक्टर निभाया है चैरी जॉनस ने कैरोलाइन पासकी का कैरेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो हजार दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट शिया मलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट शिया मलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिप्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चेरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छः मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन फोर हंड्रेड एट पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में, में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है जवाकोइन फोइनिक्स ने मैरल हैस का करैक्टर निभाया है और कल्किन ने मॉर्गन हैस का करेक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का करेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिपसन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो ज़रूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो ये मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो so आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट का जरूरत देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामल ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुइन फोइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट शेया भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छः मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का करेक्टर निभाया है जॉकोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी ब्रैसलिन ने बो हैस का करेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ़ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामल द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मेले गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो ज़रूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट का जरूरत देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामल ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुआक्वीन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अफीगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट शेया भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त 2002 तो रहा था, था और रनिंग टाइम में इस मूवी का 106 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी ब्रैसलिन ने बो हैस का कैरेक्टर निभाया है चैरी जॉनस ने कैरोलाइन पास्की का कैरेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का कैरेक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामल द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मेले गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंक्स के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुन फोनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कल्किन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉनस देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बर्बरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त 2002 तो रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का 106 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का करेक्टर निभाया है कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का करेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का कैरेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामल द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्या मलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुन फोनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कल्किन देखने को मिल जाते हैं अफीगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंग्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बर्बरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनेडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छः मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन फोर हंड्रेड एट पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में, में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का करेक्टर निभाया है जवाकोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है और कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का करैक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओरली डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट शिया मलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिप्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चेरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छः मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है जुआ कोईन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कलकिन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अभी ब्रैसलिन ने बो हैस का कैरेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पासकी का कैरेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रिसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिपसन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो ज़रूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो ये मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट का जरूरत देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामल ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुइन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट शेया भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छः मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंस मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का करेक्टर निभाया है जॉकोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी ब्रैसलिन ने बो हैस का करेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ़ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामल द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मेले गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो ज़रूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओरली डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट का जरूरत देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामल ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुआ फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अफिगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट शेया भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त 2002 तो रहा था और रनिंग टाइम में इस मूवी का 106 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी ब्रैसलिन ने बो हैस का करैक्टर निभाया है चैरी जॉनस ने कैरोलाइन पासकी का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामल द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मेले गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंक्स के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामल ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामल ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुन फोनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कल्किन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉनस देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बर्बरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त 2002 तो रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का 106 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का करेक्टर निभाया है कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का करेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पासकी का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करेक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामल द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्या मलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिप्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉकुन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अफीगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंग्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बर्बरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छ मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है जुआ कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का कैरेक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का कैरेक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का कैरेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का कैरेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो ज़रूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो हजार दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट शिया मलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिप्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चेरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छः मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन फोर हंड्रेड एट पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में, में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का करैक्टर निभाया है जुआक्इन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है और कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का करैक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पासकी का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिपसन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो ज़रूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो ये मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूरत देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट शिया मलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुइन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अफीगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चेरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छः मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का करेक्टर निभाया है जॉकोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी ब्रैसलिन ने बो हैस का कैरेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का कैरेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ़ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामल द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मेले गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो ज़रूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट का जरूरत देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामल ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुआ फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अफीगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट शेया भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त 2002 तो रहा था, था और रनिंग टाइम में इस मूवी का 106 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का करैक्टर निभाया है चैरी जॉनस ने कैरोलाइन पासकी का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामल द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मेले गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुन फोनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कल्किन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉनस देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बर्बरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त 2002 तो रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का 106 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का करेक्टर निभाया है कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी ब्रैसलिन ने बो हैस का करेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पासकी का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करेक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामल द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो हजार दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्या मलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिप्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉकुन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अफीगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंग्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बर्बरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनेडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छ मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है जुआ कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का कैरेक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का कैरेक्टर निभाया है अभी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का कैरेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का कैरेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो ज़रूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो हजार दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट शिया मलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिप्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चेरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छः मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन फोर हंड्रेड एट पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में, में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है जिन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है और कलकिन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का क्रैक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिपसन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो ज़रूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओरली टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट शिया मलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुइन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट शेया भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छः मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन फोर हंड्रेड एट पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में, में मेल गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है जुआक्इन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है और कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का करैक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का कैरेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ़ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मेला गिपसन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो ज़रूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओरली टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट का जरूरत देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामल ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुआ फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अफीगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चेरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट शेया भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त 2002 तो रहा था और रनिंग टाइम में इस मूवी का 106 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का करेक्टर निभाया है कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का करेक्टर निभाया है चैरी जॉनस ने कैरोलाइन पासकी का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करेक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामल द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मेला गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंक्स के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात तो की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुन फोनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कल्किन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉनस देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बर्बरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त 2002 तो रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का 106 मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का करैक्टर निभाया है जुआ ने मैरिल हैस का करैक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का करैक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का करेक्टर निभाया है चैरी जॉनस ने कैरोलाइन पासकी का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करेक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामल द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामल ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट शिया मलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुन फोनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कल्किन देखने को मिल जाते हैं अफीगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चैरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो साइंग्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बर्बरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू तो थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छ मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 408.2 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का कैरेक्टर निभाया है जुआ कोइन फोइनिक्स ने मैरिल हैस का कैरेक्टर निभाया है रॉरी कल्किन ने मॉर्गन हैस का कैरेक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का कैरेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का कैरेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिप्सन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो जरूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओरली डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल दो, दो में रिलीज़ हुई मूवी साइंस के बारे में यह मूवी बड़े ही दो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग साइंस मूवी को देखना पसंद करते हैं इस मूवी में लीडिंग रोल पर मेल गिब्सन देखने को मिल जाते हैं सो अगर आप भी साइंस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि साइंस मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि साइंस मूवी को कितने बजट में बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में आपको इस मूवी का मिलने वाला है बात करेंगे कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो साइंस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट शिया मलन ने राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा भी है एम नाइट श्यामलन ने जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कैथलीन कैनेडी ने फ्रैंक मार्शल ने एम नाइट श्यामलन ने एंड सैम मर्सर ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो साइंस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में मेल गिप्सन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जवाकुन फॉइनिक्स देखने को मिल जाते हैं रॉरी कलकिन देखने को मिल जाते हैं अविगेल ब्रेसलिन देखने को मिल जाते हैं चेरी जॉन्स देखने को मिल जाते हैं एंड एम नाइट श्यामल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो साइंस मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है टाक फुजी मोटो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है बरबरा टुलीवर ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने प्रोडक्शन कंपनीज है साइंस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स द कैनडी मार्शल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को वेना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट टू अगस्त टू थाउजेंड टू रहा था और रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ छः मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो साइंग्स मूवी को सेवेंटी टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन फोर हंड्रेड एट पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में, में मेले गिब्सन ने फादर ग्राहम हैस का करैक्टर निभाया है जवाकोइन फोइनिक्स ने मैरल हैस का करैक्टर निभाया है और कल्किन ने मॉर्गन हैस का करेक्टर निभाया है अवी गेल ब्रैसलिन ने बो हैस का करेक्टर निभाया है चैरी जॉन्स ने कैरोलाइन पास्की का करेक्टर निभाया है एम नाइट श्यामलन ने अरे रेडी का करैक्टर निभाया है पैट्रीसिया कालेम्बर ने कोलेन हैस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है साल 2002 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी रहा था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था एम नाइट श्यामलन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी भी इस मूवी की लिखी गई है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है लीडिंग रोल में मैला गिपसन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस मूवी में एंड उसके आगे को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप इस मूवी में देख सकते हो सो ज़रूर से आपको साइंस मूवी देखनी चाहिए उसके आगे बात की जाए कि आई पर तो आई पर भी साइंस मूवी को अच्छा खासा रेटिंग मिला हुआ है इस मूवी को सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई uh, पर एंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं सो ज़रूर से आप देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको साइंस मूवी देखने को मिलेगी सो ये मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब और ज़रूर से कर देना